शैतान का वसवसा, पता नहीं कबूल होगी या नहीं। इतनी दुआ तो मांग चुका हूं, अभी तक तो कोई नतीजा सामने नहीं आया, और मांगने का क्या फायदा होगा? क्या वाकई दुआ मांगते हुए ये वसवसा नहीं आता सबको, या ये मायूसी की कैफियत नहीं आती? मेरी तो नहीं सुनी जा सकती। मालूम नहीं वो कौन खुशकिस्मत है जिनकी दुआएं सुनी जाती। इसलिए चलो किसी और से कह देते हैं, वो मेरे लिए दुआ कर दे, अपने लिए खुद क्या करना। तो शैतान हमेशा दुआ मांगने के अमल में रखना डालता है, खलल पैदा करता है, क्योंकि दुआ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मोहब्बत का ताल्लुक पैदा करता है, एक अपनाइत का ताल्लुक पैदा करता है, एक तकर्रुब का ताल्लुक पैदा करता है। जब इंसान अपने रब से मांगता है तो उसका एहसान मंद होता है, उसके करीब आ जाता है। और मांगता इंसान किससे है? जिस पर मान होता है, जिस पर ये यकीन होता है कि वो देगा, जिस पर एतमाद होता है कि वो मेरा बहुत खैरखा है, मेरा भला करने वाला है। इंसान हर एक से नहीं मांग सकता, हर एक के सामने अपनी जरूरत नहीं रख सकता। तो अगर देखा जाए तो एक अल्लाह की जात ऐसी है कि जिससे ये सारी तवक्कुआत पूरी हो सकती। अल्लाह के सिवा कोई नहीं कि जो इंसान के साथ ऐसा मामला कर सके। इसलिए तुम्हारा रब कहता है कि मुझसे मांगो, उसको पसंद है बंदों का मांगना। अच्छा, ये जो दुआ है इसमें सिर्फ किसी चीज का बराह रास्त नाम लेकर मांगना ही शामिल नहीं है, यानी मांगने के तरीकों में सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम कहें या अल्लाह फलां चीज मुझको दे दे। इसके कई अंदाज हो सकते हैं। एक तो यही बराह रास्त किसी खास चीज का सवाल करना, ये भी बहुत अच्छा है। बंदों से सवाल करना बुरा है, लेकिन अल्लाह ताला से सवाल करना तो इबादत का दर्जा रखता है। यानी कितना प्यार आता है ना अल्लाह ताला पे, कि जरूरत हमारी है और हमारे इस मांगने के अमल को भी इबादत कह रहे हैं, क्योंकि एक ताल्लुक है ना, वो वक्त उसकी याद में गुजरता है, उसकी तरफ मुतवज्जे होकर गुजरता है, इसलिए वो वक्त भी इबादत बन जाता है, वो अमल भी इबादत हो जाता है। तो एक तो ये कि जैसे हम सवाल करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कह के दुआ मांगते हैं, ये जितनी मसनून दुआ में आपने देखा होगा, अस्अलुका बराबर सवाल का लफ्ज है। लेकिन कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिसमें सवाल नहीं किया जाता, सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द सना कर दी जाती है। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। ये भी दुआ का एक अंदाज है। मांगा कुछ भी नहीं, बस अपनी तकलीफ का इजहार कर दिया और अल्लाह ताला की हम्द सना कर दी, मुझे तकलीफ पहुंची है और आप सबसे बढ़ के रहम फरमाने वाले। ये भी नहीं कहा आप रहम फरमाइए, कहा आप तो सबसे बढ़ के रहीम हैं और मेरी तकलीफ आप जानते हैं। ये भी एक स्टाइल। इसी तरह कोई जिक्र कर देना, मसलन इस्तिग़फ़ार पढ़ना। अब इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाले के लिए कितनी खुशखबरियां हैं कि उसका हर मसला आसान हो सकता है उसके वजह से। खैर, उसमें तो बख्शिश की तलब होती है, एक तलब का अंदाज है, लेकिन इस्तिग़फ़ार जो है वो आम दुआ से जरा मुख्तलिफ है। इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ना, उसमें अपने लिए तो आप कुछ भी नहीं मांग रहे होते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांग रहे हैं, लेकिन वहां क्या हो रहा है कि जब आप उनके लिए रहमत की दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला आप पे 10 रहमतें फरमाते हैं। ये भी एक मांगने का अंदाज है। अब दुरूद शरीफ पढ़ना जो है बायस बरकत भी है, इबादत भी है, जिक्र भी है और एक तरह की दुआ भी है। इसी तरह बाज अज़कार के आपने कितने फायदे देखे, सुबह शाम की दुआ में आप देखिए आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शयउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। ये सिर्फ जिक्र है, इसमें आप मांग तो कुछ नहीं रहे, लेकिन कितनी फजीलत है इसकी कि जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा उसको कोई चीज नुकसान नहीं देगी। उसमें आप ये नहीं कह रहे कि या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि हर नुकसानदेह चीज को मुझसे दूर कर दे, नहीं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की हम्द सना के जो कलमात हैं, मसलन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अरफात की हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि अरफात में मेरी दुआ और मुझसे पहले अंबिया की दुआ ये कलमा है, इला इलाहा इल्लल्लाह। अब अगर देखा जाए तो इसमें तो कोई दुआ की बात नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। तो ये भी मांगने का एक तरीका है, मांगे कुछ नहीं, बस सिर्फ जिक्र करते रहे उसका बैठ के। इसी तरह आप देखते हैं कि तवाफ के दौरान आप क्या पढ़ते थे, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब ये दुआ तो नहीं, ये तो जिक्र है अल्लाह का। तो अल्लाह ताला का जिक्र करना, उसकी किताब की तिलावत करना, उसको पढ़ना, इल्म हासिल करना, ये ऐसे आमाल हैं कि जिनमें मशगूल होकर इंसान के लिए कायनात की हर चीज दुआएं करने लगती, तालिब इल्म के लिए बहुत सी मखलूक दुआएं करती। आप मशगूल हो गए किसी और काम में, खिदमत खल्क में या इल्म हासिल करने में, और अल्लाह ताला की मखलूक शुरू हो गई आपके लिए दुआएं करना, अर्श वाले फरिश्ते आपके लिए दुआएं करने लगते हैं अगर आप ईमान लाकर अच्छे काम शुरू कर दें। तो अल्लाह से मांगने के मुख्तलिफ अंदाज हैं,
डायरेक्ट मांगना भी और मुख्तलिफ इबादात करना भी। इसी तरह वस्ताहीनू बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो सब्र और नमाज से। ठीक है, नमाज में इंसान बहुत सी दुआएं पढ़ता है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त में इंसान सब्र के साथ नफल पढ़ के अल्लाह ताला का जिक्र करे और उसको समझ ना भी आए कि क्या दुआ मांगो, क्योंकि बास परेशानियां ऐसी होती है कि इंसान मुंह से कुछ निकाल भी नहीं सकता, तो ये नमाज भी काफी हो जाएगी। वकाल रब्बुकुम उद्उनी, और तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो। और पुकारने के कई अंदाज हैं, दिल ही दिल में पुकारना भी आता है, चुपके चुपके पुकारना भी आता है, ऊंची आवाज से पुकारना भी आता है, अकेले पुकारना भी आता है, सबके साथ मिलके दुआ करना भी आता है। कोई दुआ मांग रहा हो तो आमीन कहने से भी बात बन जाती। मुझे याद है कि एक दफा मैं उम्रे पर गई और तवाफ के बाद जहां मैं नफल पढ़ रही थी, तो नफल के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी दुआ करती हूँ। इतने में एक शख्स अरबी में कोई दुआ मांग रहा था। इतनी खूबसूरत दुआ थी कि मैंने ऐसी दुआ किसी से नहीं कभी सुनी, और मैंने सिर्फ आमीन कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अल्लाह मेरी तो ना जबान में इतनी बलागत और फसाहत है, ना मुझे इतनी बातें आती हैं, मुझे तो मांगना भी नहीं आता, तो जो कुछ ये मांग रहा है मुझे भी यही दे दे। मैंने सिर्फ आमीन 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 कहना शुरू कर दिया। ये कितना बड़ा उसका एहसान है कि हम आमीन कह के भी शामिल हो जाते हैं दूसरों की दुआओं में। तो इसीलिए दुआ को इबादत का निचोड़ कहा गया, क्रीम, खुलासा, सारी इबादत का ऊपर का हिस्सा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हर नमाज में बहुत सी दुआएं हैं, हर मौके की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरह की हमें दुआएं सिखाई। सवेरे जो आंख खुलती है, सवेरे के अगर आधी रात को भी खुलती है, उसकी भी दुआ है। उस वक्त से लेकर कोई काम ऐसा नहीं दीन का या दुनिया का, अच्छा या बुरा, जिसके लिए कोई ना कोई दुआ ना मौजूद हो। यानी इतना खूबसूरत अमल है दुआ मांगना कि जिसके लिए किसी खास चीज की कैद भी नहीं कि कहीं बंद के बैठो तो ही मांगो, कहीं पहुंचो तो मांगो। नहीं, कहीं भी मांगो, दिन को मांगो या रात को मांगो, खड़े होके मांगो या बैठ के मांगो, चलते फिरते मांगो या चुपके चुपके मांगो, मुंह से बोलो भी नहीं और दिल ही दिल में मांगो तो भी वो सुन लेता है। किसी भी तरह मांग सकते हो, कहीं भी मांग सकते, कुछ भी मांग सकते हो। इसलिए वकाल रब्बुकुम उद्उनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और आपको पता है कि रब्बुकुम ये सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, रब तो सारी मखलूक का है, काफिर का रब भी वही है, खा वो माने या ना माने। इसलिए कबूलियत दुआ के लिए मुसलमान होना भी शर्त नहीं। अगर कोई काफिर भी अल्लाह को पुकारता है, अपने रब को पुकारता है, तो वो उसकी भी सुनता है। और खुसूसन अगर वो मजलूम हो, किसी ने उस पर जुल्म किया हो, तो वो फरियाद फौरन ऊपर पहुंचती है, खा वो मुसलमान न भी हो। इसलिए ये जो दुआएं हैं ये आप सबको बता सकते हैं, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम, सबको सबको सिखा सकते हैं, ताकि वो अपने रब को पुकारे और रब उनको हिदायत दे। और फिर आप देखेंगे कि दुआ के जरिए जो अल्लाह ताला पर एतमाद बैठता है, और अगर वो खुसूसन ये कि जल्दी कबूल हो जाए, तो उस वक्त जो एक खुसूसी शुक्र की कैफियत आती है। लेकिन ये कि मायूस नहीं होना, बाद में ये कह रही थी कि इसके लिए कोई शर्त नहीं कि कोई शख्स बहुत नेक मुसलमान हो या बहुत अच्छा मुसलमान हो, वो तो गुनाहगारों की भी सुनता है। इसलिए बाज़ुकत लोग जब मायूस होने लगते हैं ना कि हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हमारी नहीं सुनी जाएगी, तो उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। मायूस होकर कहाँ जाएंगे सुनने, किससे मांगने जाएंगे, उनको भी पुकारना चाहिए। खा कोई कैसे भी गुनाह में डूबा हुआ, कैसी भी हालत में हो, और उसके लिए भी मांगना चाहिए। हत्ता के काफिर जब तक जिंदा है, उसकी सेहत के लिए, उसकी हिदायत के लिए, उसकी खैरख्वाही भलाई के लिए भी आप खूब दुआएं मांग सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के लिए भी दुआ करते थे, या हजरत उमर के लिए कहते थे कि इन दोनों में से किसी एक को तो जरूरी हिदायत दे। तो दुआ हर हाल में फायदा देती है, उन मुसीबतों में भी फायदा देती है जो उतर चुकी हैं, उनमें भी देती है जो नहीं उतरी। दुआ तो इबलीस की भी कबूल हुई थी, उसने कयामत तक जिंदगी की दुआ मांगी थी, उसकी भी कबूल कर ली गई। उसने कहा था, काला अंजिरनी इला यौम युबअसून, कयामत तक के लिए मुझे मोहलत दे कि मैं इंसानों को भटका सकूं। तो अल्लाह ताला ने कहा, जाओ, तुम्हें मोहलत दी गई। इसलिए ये ख्याल तो अपने दिल से सब निकाल दें कि हमारी दुआ नहीं कबूल होती, सब की हो सकती। शर्त यह है कि आप वाकई दुआ मांग रहे हो। हाँ, जो गाफिल दिल से मांगे उसकी नहीं कबूल होती, क्योंकि वो मांग नहीं रहा, वो तो बस सिर्फ एक फर्ज पूरा कर रहा है। वो बजाहिर देखने में मांगने का अमल नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत में मांग नहीं रहा,
तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ नहीं कबूल करता। बस कुछ अदब ये जरूर सिखाए गए कि इंसान कतई रहमी की दुआ ना करे, गुनाह की दुआ ना करे, गलत कामों की दुआ ना करे, और फिर साथ ये कि दुआ करने के बाद मायूस ना हो, दुआ में जल्दबाजी ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कबूलियत दुआ का वादा कर रखा है, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करूंगा तुम्हारी दुआएं। हाँ ये जरूर है कि कबूलियत की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, बाज़ोकात तो इंसान को बिल्कुल वही मिल जाता है जो वो चाहता है, बाज़ोकात वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, बल्कि वो दे दिया जाता है जो उसको ज्यादा जरूरत होता है। यानी हमारा तो इल्म इतना महदूद है ना, हम एक चीज मांग रहे होते हैं जो हमारे हक में कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती, अल्लाह ताला हमारे लिए हमसे बढ़कर मेहरबान है, वो हमें वो नहीं देता बल्कि वो देता है जो हमें उससे ज्यादा फायदा दे सकता है। अगर आप अपनी गुज़श्ता जिंदगी की दुआओं पर एक नजर डालें तो हम कितनी छोटी छोटी चीजें मांगते रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें उससे बढ़कर अता किया है। हम सबको जो अल्लाह ताला ने दीन की समझ दी या दीन को सीखने का शौक दिया, जरूरी नहीं कि हम सब ने ये मांगा ही हो कि अल्लाह तो हमें मौका देना अपने दीन को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि हम जिंदगी में कुछ और मांगते रहे और हमें वो नहीं मिला, ये नेमत मिल गई और वो हमारे हक में ज्यादा बेहतर हो गई, और ये हो सकता था कि हमें वो चीज़ मिल जाती और आज हम उस छोटी सी चीज को लेकर उसका शौक भी पूरा कर चुके होते, उसकी सारी अट्रैक्शन खत्म हो चुकी होती, क्योंकि दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी अट्रैक्शन खत्म ना हो जाए या जिसकी वैल्यू घट ना जाए, जो पुरानी ना हो जाए। लेकिन कुरान का इल्म एक ऐसा इल्म है जो हर दम नया लगता है, हर दम जिंदगी देता है, खुशी देता है, सुकून देता है, एक राहत मिलती है, ये पुराना नहीं होता। फिर इसी तरह ये भी होता है कि बाज़ोकात इंसान की कोई आफत टाल दी जाती है, आप मांग रहे हैं रिस्क तो वो रिस्क में बरकत तो नहीं होती मसलन, लेकिन कोई बीमारी आपसे टाल दी जाती है कि खुदा ना खास्ता आपको अगर माल मिल भी जाए और ऐसी बीमारी लग जाए कि सारा माल उसमें डूब जाए, तो माल भी गया और तकलीफ अलग, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको ज्यादा माल तो नहीं देते मगर वो बहुत बड़ी बला से महफूज रखते हैं, किसी हादसे से बचा लेते हैं, किसी ऐसी परेशानी से बचा लेते हैं कि जिसमें आपका सब कुछ ही खप जाता, क्योंकि हमारे पास कोई राइट तो नहीं है, हम कोई डिजर्व तो नहीं करते कि हर वक्त हम अमन अमान में रहें, हमारे अपने गुनाहों की बदौलत, कई बैरूनी असबाब की बदौलत कोई मुश्किल, कोई हादसा, कोई मुसीबत किसी भी वक्त आ सकती जो दुनिया में मुख्तलिफ लोगों पर आती रहती, हम हर अमन डिजर्व थोड़ी करते हैं, तो अल्लाह की इनायत और रहमत और नेमत है कि जो हमें दिए हुए ये, और ये मुमकिन है कि हम कोई और दुआ मांगते हो और अल्लाह ताला उसकी बजाय हमें आफियत में रखे हुए हो, एक पुरसकून जिंदगी दिए हुए हमें कि हमारे हाथ पांव सलामत है, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम खा पी सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम किसी के मोहताज नहीं है, कितना बड़ा एहसान है उसका। इसलिए अगर कोई दुआ वक्ती तौर पर बैने ही कबूल नहीं होती, बैने ही का क्या मतलब, एज इट इज जिस तरह हम चाहते हैं, तो भी कोई बात नहीं, सब्र करना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अल्लाह ताला दुआ नहीं सुनता। एक और जगह पर भी फरमाया, वह इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इदा दआनी फलयस्तजीबू ली वलियूमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप बता दीजिए कि मैं करीब हूं, बहुत करीब हूं। उजीबु दावत अद्दाई, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं, अस्तजिब लकुम, कबूल करता हूं। ये ऐसे दिल के बहलाने के लिए नहीं कहा गया, ये हकीकत है, ये सच है, इस पर हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए पुख्ता, और उसको छोड़कर औरों के पास नहीं जाना चाहिए, किसी और से नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ उसी से मांगना चाहिए, क्योंकि ये इबादत भी है और फिर वो हर चीज देने के काबिल भी है, उसकी कुदरत, उसका इल्म, उसकी रहमत हर चीज पे छाई हुई है, इसलिए उससे मांगते चले जाओ, और फिर कभी एक अंदाज से, कभी दूसरे अंदाज से, कभी तीसरे अंदाज से, लेकिन उससे हमेशा अच्छी उम्मीद रखो, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ फॉर्मल आदाब भी सिखाए गए हैं, एट टाइम्स उनका भी लिहाज रखना चाहिए, यानी हर वक्त दुआ मांगने के लिए फॉर्मल अंदाज इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। मसलन सुबह शाम की अजकार हैं, चलते फिरते आप पढ़ सकते हैं, अब मसलन बाथरूम में दाखिल होने की दुआ है तो अब आप पहले से तस्बीह और दुरूद शरीफ तो नहीं उसके पढ़ेंगे, या निकल के वो सारी फॉर्मेलिटीज तो नहीं पूरी करेंगे जो दुआ के अव्वल आखिर की जाती है, अमूमन जो फॉर्मल दुआ मांगी जाती है, तो एट टाइम्स आप बस डायरेक्ट दुआ मांग लें, एट टाइम्स आप पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ मांग लें, और उसमें आप देखिए कि फॉर्मल दुआ मांगने का तरीका क्या है, कि अल्लाह ताला की हमदो सना से शुरू किया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाए,
फिर इसी तरह यह है कि दुआ में आजजी होनी चाहिए, मांगने का अंदाज गालिब होना चाहिए। शेर के अंदाज में चीख चिल्ला के दुआ नहीं मांगनी चाहिए, या तकरीर के अंदाज में दुआ नहीं मांगनी चाहिए। उम्मीद और खौफ के दरमियान एतदाल के साथ। फिर इसी तरह यह कि दुआ में मुबालगा आरई नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरह कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका अगर एहतमाम कभी हो सके, कभी कभार तो बहुत अच्छा है, और खसूसी जो कबूलियत के औकात हैं उनका लिहाज रखते हुए उन मौके से फायदा उठाना चाहिए, मसलन रात के तीसरे हिस्से में यानी सहर के वक्त। फिर इसी तरह अजान और इकामत के दरमियान सफ में खड़े होकर, सदका करने के बाद, कोई भी नेकी का काम करने के बाद, असर की आखिरी घड़ी में, जुमे के दिन एक खास घड़ी में, सजदे में दुआ, रात को आंख खुल जाने पे दुआ, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के बाद दुआ, तिलावत कुरान के बाद दुआ, अरफा के दिन की दुआ, रमजान के महीने में खसूसन रोजा इफ्तार करते वक्त दुआ, फिर आदिल इमाम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, बारिश के वक्त की जाने वाली दुआ, ये खास कबूलियत के औकात और असबाब हैं। फिर अत्तहियात और दुरूद शरीफ के बाद की जो दुआ है, जो हम बैठ के नमाज के आखिर में पढ़ते हैं, ये भी सिर्फ रब्बी जालनी तक ही नहीं बल्कि इससे ज्यादा दुआएं भी हैं। फिर इसी तरह जब अल्लाह ताला पर बहुत प्यार आ रहा हो, बहुत दिल उसकी तरफ मुतवज्जे हो, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनते, तो जब दिल बहुत मुतवज्जे हो तो फौरन दुआ के भी फायदा उठा ले। इसी तरह इस्तिरारी कैफियत में बहुत बेचैनी के वक्त, जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, बीमारी के वक्त, फिर इसी तरह सफर के वक्त, फिर औलाद की दुआ माँ बाप के लिए, माँ बाप की दुआ औलाद के लिए, उस्ताद की दुआ शागिर्दों के लिए, शागिर्दों की दुआ उस्ताद के लिए, और जब दुआ मांगे तो अंदाज किया रब्बना अग़फिरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीन, अपनी जात से शुरू करके वालिदैन या करीबी लोगों के बाद, फिर सब के लिए आम दुआ। फिर इसी तरह वुजू के बाद की दुआ, काबा को देखते वक्त जो पहली नजर से देखें, फिर हतीम के अंदर, फिर सही और तवाफ करते वक्त दुआएं पढ़ना, फिर मुजदलिफा में। लेकिन याद रखिए कि इन कबूलियत के खास मौके और मकामात के अलावा दुआ तो किसी भी वक्त की जा सकती है, और कोई भी घड़ी कबूलियत की घड़ी हो सकती। इसलिए हमेशा दुआ मांगते वक्त ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला कबूल करेगा, मायूसी के साथ दुआ ना हो।